हेलो एवरीवन, आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज चैप्टर नंबर 6, थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है जो हमने करना है? द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग? तो आई एम टेलिंग यू कि इस दुनिया में, इस दुनिया का जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो, जिसे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक मैंने एक बीकर में रिएक्शन करा रही हूँ, है ना, मैं एक बीकर में रिएक्शन को परफॉर्म करा रही हूँ, तो वो बीकर मेरे लिए क्या है? वो मेरा सिस्टम है। ओके, एंड बीकर के अलावा बाकी यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो क्या हो गई? वो सराउंडिंग हो गई। ठीक है, सपोज करो मैं एक रूम में ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, मैं एक रूम के अंदर ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ कुछ भी, दैट पर्टिकुलर रूम, वो रूम जिसके अंदर मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, वो रूम मेरा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, एंड सराउंडिंग क्या होगी? सराउंडिंग हो जाएगी उस रूम के बाहर जो भी दुनिया है, जितनी भी मिल्की वेज है, जितना भी वर्ल्ड में जो कुछ भी है, वो सब क्या है? वो सराउंडिंग है। ठीक है, तो यूनिवर्स दो चीजों से मिला है, बनकर सॉरी दो चीजों से बना है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स दो चीजों से बना है, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, अगर आपका सिस्टम जो भी है, एक रूम है, एक बीकर है, एक गिलास है, एक कंटेनर है, तो जो रिमेनिंग चीजें बची हैं इस दुनिया में वो सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो आई होप सो कि आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग क्लियर हो। यहाँ पर उन्होंने दिखा भी रखा कि जो बीकर है पर्टिकुलर, जिस बीकर में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, दैट इज सिस्टम, एंड इस बीकर के अलावा जो भी बाहर आसपास जो भी टोटल कुछ भी है बाहर, वो सब क्या है? वो सब सराउंडिंग में आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमें तीन तरह के सिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम करेंगे, तीन तरह के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज ओपन सिस्टम? तो ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज पॉसिबल। ठीक है, मतलब अगर मेरे सिस्टम, मेरे बीकर में से मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, देन वो बीकर कैसे सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ? वो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, क्लियर? अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, डोंट वरी। सेकेंड है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में याद रखना है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। ओके, सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो मैंने वाटर को कुछ, एक गिलास पानी गर्म किया। ठीक है, वो गिलास पानी जो मैंने गर्म किया, मैंने उसे एक ओपन बीकर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ठीक है, एक ओपन बीकर में मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया, देन व्हाट विल हैपन विद टाइम? क्या होगा? जो वो पानी है, आप देखो कि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, ठंडा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। क्यों हुआ वो ठंडा? क्योंकि उस पानी ने, उस वॉर्म वाटर ने अपनी हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी देखोगे कि जब वो पानी गर्म था, वॉर्म था, उसके जो वेपर्स हैं, उसके जो वेपर्स हैं वो ओपन बीकर में से बाहर निकल रहे हैं ना, बाहर सराउंडिंग में जा रहे हैं उसके वेपर्स। तो वो सिस्टम जिसमें, एक जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने एक कंटेनर में एक वॉर्म वाटर रखा है, ओपन कंटेनर है वो, तो वो एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल होगा। ठीक है, अभी सपोज करो कि मैंने उस बीकर को क्लोज कर दिया है। ठीक है, मैंने क्या किया है? उस बीकर को क्लोज कर दिया है। ये देखो, ये मैंने अभी देखो, ये से कवर लगा दिया, क्लोज कर दिया है। अब क्या होगा? देखो, अब क्या होगा? देखो, पानी तो ठंडा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, मतलब एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, गिलास के थ्रू, है ना, बट जो वाटर के वेपर्स हैं वो सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होंगे, मतलब मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो डू रिमेम्बर इट कि ओपन में दोनों चीजें ट्रांसफर होती हैं, दोनों चीजों का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। किस किस के बीच में हो रहा है एक्सचेंज? सिस्टम का सराउंडिंग में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज है। ठीक है, क्लियर? एंड मैटर का भी एक्सचेंज होता है ओपन सिस्टम में, बट क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। ओके, नाउ थर्ड वन इज योर आइसोलेटेड सिस्टम।
वट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यू मस्ट हैव सीन सम थर्मस फ्लास्क इन योर लाइफ, है ना, क्लियर। तो थर्मस फ्लास्क ऑल्दो जो मार्केट में आती है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, बट एक्चुअल में कोई आप अच्छी क्वालिटी की थर्मस फ्लास्क देखें तो उसमें क्या होता है कि आप देखना, थर्मस में अगर आपने कोई गर्म चीज रखी है वो गर्म ही रहती है, ठीक है, क्लियर। तो ना तो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, इसका मतलब कि अगर मैंने थर्मस में गर्म चाय बनाकर रख दी है और मेरी चाय गर्म ही पड़ी है, वो ठंडी नहीं हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस गर्म चाय में से हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हुई, नो ट्रांसफर ऑफ हीट इज देयर, है ना, एंड क्योंकि वो थर्मस बंद थी, है ना, तो मतलब मैटर भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर विल टेक प्लेस, ओके। Now the next topic is the state of the system. The state of the system क्या होगा? हम किसी भी system के state को define करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है state function, या फिर हम इसे कहते हैं state variable. Okay? You can say it state function or state variable. What are state function? State functions are those properties या those quantities which will describe the state of that पर्टिकुलर सिस्टम। लाइक एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, दूसरा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 320 केल्विन है, तो ये जो टेम्परेचर है दोनों सिस्टम के, क्या मुझे स्टेट बता रहा है ना कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब एक ज़्यादा गर्म है, दूसरे का टेम्परेचर कम है तो वो कम गर्म है, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, ये स्टेट फंक्शन होगा, है ना, क्योंकि ये किसी भी सिस्टम की स्टेट को बता रहा है। तो सिमिलरली हमारे पास और भी स्टेट फंक्शंस हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब हमको किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स भी स्टेट फंक्शन है, अमाउंट एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आप लेटर स्टडी करोगे, बट फिलहाल के लिए आप ये याद रखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये चार चीजें आपकी क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं, ओके। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी एज स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो अभी तक तो ये पढ़ा था, अभी ये बताना कि इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है क्या, ठीक है। तो हर सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है ना, लाइक मैं तो चलो लिविंग बींग हूँ, स्टिल हर सिस्टम, कोई भी दुनिया में कोई भी सिस्टम है उसके पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब वो क्या कर सकता है, वो अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है बाय सम वेज। वो वेज क्या है, या तो वो आप उस सिस्टम में हीट पास कर दो या फिर उस सिस्टम से हीट निकाल लो, इधर यू कैन पास हीट टू द सिस्टम और यू कैन रिमूव आउट हीट फ्रॉम द सिस्टम, ओके, क्लियर। दूसरा चीज क्या है, या तो आप उसके ऊपर वर्क कर दो या उससे वर्क करवा लो, या तो वर्क इज डन और वर्क इज बाय द सिस्टम, ठीक है, या तो सिस्टम खुद वर्क करे या फिर कोई सिस्टम के ऊपर वर्क करे, ठीक है। इसको भी ऐसे मतलब पैनिक नहीं होना है, ये सभी टर्म्स आपको बिल्कुल जैसे जैसे हम आगे आगे मूव करेंगे कि आपको एकदम लेयर बाय लेयर आपको क्लियर होते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, ठीक है। थर्ड तरीका होता है कि या तो मैटर एंटर करे सिस्टम में या फिर मैटर लीव कर जाए, ठीक है। तो मैंने बोला कि किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है दुनिया में, उसकी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, ओके, क्लियर। चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे उसकी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, कुछ भी हो, मे बी और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो उस सिस्टम की अपनी कुछ एनर्जी है। हमने बोला है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब अगर किसी सिस्टम की हम इंटरनल एनर्जी को स्टडी करते हैं, इट मीन्स वो हमें उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के बारे में वो हमको ज़रूर देगा। तो इसके बाद मैंने ये बताया कि हम उस इंटरनल एनर्जी को, किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं बाय सम वेज, एंड व्हाट आर दोज वेज। तो आई टोल्ड यू
कि या तो आप हीट पास करें सिस्टम में, है ना। अगर मैंने हीट पास करी सिस्टम में तो उस सिस्टम के टेम्परेचर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, है ना, सिस्टम गर्म कर जाएगा डेफिनेटली, है ना। क्या, या फिर आप सिस्टम से हीट आउट करें, बाहर निकालें, ठीक है। अगर आउट करी तो सिस्टम ठंडा हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली टेम्परेचर कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ना। या तो सिस्टम पर आप वर्क करें, अभी वर्क हम बताएंगे कैसे करते हैं किसी सिस्टम के ऊपर आगे आगे, या फिर आप सिस्टम से वर्क करवा लें। दो तरह का वर्क होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ठीक है, इन दोनों वे से भी आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तीसरा, मैटर, मैटर अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो वो भी या तो आप मैटर उसके अंदर डालें या फिर उसमें से मैटर निकाल लें सिस्टम से, तो वो भी क्या करेगा, डेफिनेटली अगर आपने मैटर डाला या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे मतलब स्टेट चेंज होगी, है ना, डेफिनेटली। ओके, तो इंटरनल एनर्जी इन चीजों से चेंज होती है। नाउ वी विल स्टडी वर्क। तो अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड को हम एडियाबैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब वही है कि ना मैटर चेंज हो रहा है ना, और ना ही हीट चेंज हो रही है, ठीक है, क्लियर। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कैसे वर्क करते हैं देखो, पहला काम क्या है, पहला तरीका ये कहते हैं वीडियो सब मैकेनिकल वर्क, हम मैकेनिकल वर्क करेंगे। और ये कितना मैकेनिकल वर्क करें, 1 किलो जूल वर्क, है ना, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यू नो वर्क की एसआई यूनिट भी जूल्स होती है, ठीक है। तो 1 किलो जूल कोई मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है, ठीक है। चाहे आप पैडलिंग कर रहे हो उसमें, कुछ स्मॉल पैडल रोटेट करा रहे हो, कुछ भी, वट एवर, ठीक है। 1 किलो जूल उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क किया उस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब ये देखा गया कि जब आपने वर्क कर दिया तो वो सिस्टम एक नई स्टेट में आ जाएगा, है ना। हमने माना कि वो जो नई स्टेट जो उसने एक्वायर की है, दैट इज अ बी स्टेट, उसका नाम हमने क्या बोल दिया, बी। जो इनिशियल उसकी स्टेट थी, दैट इज ए। अब जब हमने उसे क्या कर दिया, मतलब मैकेनिकल वर्क कर दिया उसके ऊपर, अब जो स्टेट है वो बी है, ठीक है। तो ये देखा गया कि जब मैकेनिकल वर्क किया गया उसके ऊपर तो टेम्परेचर राइज हो गया है। टेम्परेचर क्या हो गया है, राइज, ठीक है। तो जो फाइनल टेम्परेचर है, दैट इज टी बी है। टी बी इज द फाइनल टेम्परेचर एंड टी बी इज ग्रेटर देन टी ए, क्योंकि टी ए तो इनिशियल टेम्परेचर था, मैकेनिकल वर्क किया, टेम्परेचर राइज कर गया तो टी बी हो गया, ठीक है। तो अब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टी, डेल्टी विल रिप्रेजेंट चेंज इन टेम्परेचर, कि ये मैकेनिकल वर्क करने के बाद उस सिस्टम में कितना चेंज आया, दैट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए, सिंपल, है ना, क्लियर। ओके, तो इससे क्या हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, है ना। तो वो चेंज क्या होगा, डेल यू, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल यू, एंड डेल यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। यू बी क्या है, उस बी स्टेट में, बी स्टेट में उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, एंड यू ए क्या है उसकी इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी। यू इज द सिंबल फॉर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यू, कैपिटल यू इज अ सिंबल फॉर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ओके, सेकेंड वे क्या है काम करने का, दूसरा तरीका, हम कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया, कितना कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, 1 जूल, 1 किलो जूल, ठीक है। ये भी हमने कितना किया, 1 किलो जूल किया। तो हमने देखा कि जब हमने कोई इलेक्ट्रिकल वर्क किया सिस्टम के ऊपर, तो उसका टेम्परेचर राइज कर गया, है ना, टेम्परेचर राइज कर गया और टेम्परेचर हो गया टी बी फाइनल, है ना, उसी सिस्टम पर। तो और ये भी देखा गया कि जब मैंने 1 किलो जूल मैकेनिकल वर्क किया था तो मेरा जितना उस सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ था, सपोज करो टी बी की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, टी बी क्या मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है मेरा, ठीक है। तो मैंने देखा कि जब मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क किया ना उस सिस्टम पर, 1 किलो जूल के बराबर, 1 किलो जूल के बराबर इलेक्ट्रिकल वर्क किया, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही पहुंच गया। मतलब टी बी की जो वैल्यू है वो सेम है दोनों के लिए, उस सिस्टम पर चाहे आपने मैकेनिकल वर्क किया 1 किलो जूल, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया 1 किलो जूल, जो फाइनल टेम्परेचर था दैट इज सेम। टीबी जो है दोनों सिस्टम के लिए
सेम हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस चीज से हमें क्या हम इंटरफेस सॉरी इस चीज से हम क्या हमको क्या क्लियर हुआ है कि नो मैटर हाउ इट वाज डन, फर्क नहीं पड़ता कैसे ये हुआ है, काम कैसे किया है, चाहे मैकेनिकल किया चाहे इलेक्ट्रिकल किया है, ठीक है, बट ये सेम चेंज प्रोड्यूस करेगा। जितना चेंज टेम्परेचर में यहाँ आएगा, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस का राइस हमने देखा यहाँ पर, तो सिमिलरली इस वाले में भी हमको 20 डिग्री सेल्सियस राइस टेम्परेचर में दिखेगा, ठीक है, क्लियर। तो वर्क कैसे भी करो आप, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो उस पर्टिकुलर सिस्टम पर, तो सेम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर। उसके बाद देखो नाउ, तो ये जो चेंज आया है डेल यू इज इक्वल टू डेल टू माइनस यू वन, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये एडियाबैटिक वर्क के इक्वल है, एडियाबैटिक वर्क, क्योंकि अभी हमने जो वर्क किया है इसमें हमने ऐसे सिस्टम में हमने ये वर्क कर रहे हैं, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क किया ना, ये ऐसे सिस्टम के अंदर कर रहे हैं जहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे जहाँ पर हम सिस्टम में से हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने एक एडियाबैटिक वर्क किया, हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडियाबैटिक वर्क, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब एडियाबैटिक, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ। तो अगर हमने किसी सिस्टम पर एडियाबैटिकली वर्क किया है तो उससे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो वी कैन से दैट कि डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक, ठीक है, ठीक है, डेल यू इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एक IUPAC जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा ध्यान रखना एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो यहाँ पे अंडरलाइन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इवन नॉट फॉर CBSE बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है, ओके। द पॉजिटिव साइन एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करता है, अगर कहीं भी आपको वर्क के आगे WAD जैसे यहाँ पर है, ये पॉज कुछ नहीं लिखा तो मतलब पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव अगर साइन आता है वर्क के आगे, इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आता है इट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, दोनों तरीके से याद कर सकते हो। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम है तो वर्क नेगेटिव होगा, ठीक है, हमने वर्क को नेगेटिव साइन देना है। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क को हमने पॉजिटिव साइन देना है, क्लियर। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, बात वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हीट, ठीक है, नेक्स्ट है हीट, हमने पढ़ना है हीट के बारे में। तो हीट तो आपको पता है जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो हीट का सिंबल है स्मॉल क्यू, डू रिमेम्बर इट, जैसे इंटरनल एनर्जी का सिंबल था कैपिटल यू, हीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दूंगी, यस। अब यहाँ पर इसके भी IUPAC कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए, जब भी कभी हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा सराउंडिंग से सिस्टम में, सराउंडिंग से हीट कहाँ गई है, सिस्टम में गई है अगर, तो क्यू का जो साइन है वो आपने पॉजिटिव लेना है। जब भी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाएगा क्यू का साइन पॉजिटिव लेना है, बट अगर अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जा रही है, हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, ठीक है, तब आपने क्यू का साइन को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो वर्क का साइन पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है और क्यू का साइन पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। और जब भी एक बात याद रखना, अगर आपने हीट सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर करी है ना, कर दी, मैंने सराउंडिंग से कुछ है हीट आपके सिस्टम में ट्रांसफर कर दी, तो उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, डेफिनेटली वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी, है ना, ऑब्वियसली ना, पहले उसके पास कुछ एनर्जी थी सिस्टम की, मैंने बाहर सराउंडिंग से कुछ एनर्जी उस सिस्टम में ट्रांसफर कर दी, तो मतलब डेफिनेटली मैंने उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया है, ठीक है, ओके, क्लियर। और दूसरी बात, अगर
सिस्टम में से एनर्जी निकल गई है बाहर, है ना, सिस्टम में से एनर्जी ट्रांसफर हुई है सराउंडिंग में, इसका मतलब क्या है कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है. क्या हुई है? डिक्रीज, क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर कर दी, तो डेफिनेटली उसकी खुद की जो इंटरनल एनर्जी है वो तो डिक्रीज हुई ना. क्लियर? ओके. तो जनरल केस यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो. या तो आप उस सिस्टम के ऊपर वर्क करो, है ना, W, अगर आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली W इज़ अ सिंबल फॉर वर्क, है ना. या फिर आप उसमें कुछ हीट ट्रांसफर या उसमें से लो, या तो हीट का एक्सचेंज करो या फिर वर्क का एक्सचेंज करो, ठीक है, तभी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. ठीक है, तो हमने एक जनरल इंटरप्रिटेशन कर दिया कि डेल्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, जो हीट चेंज है और जो वर्क चेंज है. ठीक है, जो वर्क हुआ है या जो हीट ट्रांसफर हुई है उन दोनों के सम के इक्वल होगा. ठीक है, क्लियर? तो अगर आप इसको डेल्यू, अगर कोई वर्क, अगर वर्क नहीं हुआ है, वर्क इज जीरो, आपने कोई काम नहीं किया सिस्टम पर, आपने कोई हीट ट्रांसफर नहीं किया सिस्टम को, ठीक है, तब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दैट सिस्टम. ओके, क्लियर? तो मतलब डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज डेल यू मुझे क्या बताता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल इज अ सिंबल फॉर चेंज. ओके, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, डेल इसे बोलते हैं, डेल इज अ सिंबल फॉर चेंज. ओके, क्लियर? तो ये जो आपकी क्वेश्चन है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब कि ये मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ को एक्सप्रेस करता है. और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट. द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, मतलब जब तक आप उस सिस्टम पर कोई वर्क नहीं करोगे, जब तक आप उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं करोगे, तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी. ठीक है, आपको अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें से मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, है ना, तो उस सिस्टम में क्या होगा, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल टेक प्लेस इन दैट सिस्टम. ओके, क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी एंड स्टेटमेंट डेफिनेटली. थर्मोडायनामिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है, बट वो थोड़ा सा लिटिल बिट इससे तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा अलग लेवल में पढ़ोगे, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे. यहाँ पर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे हो. ठीक है, तो थोड़ा थर्मोडायनामिक्स थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो, सो दैट जब तुम फिजिक्स में पढ़ो तुम उन चीज़ों को, इस टॉपिक को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड कर सको. ओके, क्लियर? ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम सेट, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, लाइक 6.1 कहते हैं कि एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन. आप कैसे एक्सप्रेस करोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर नो हीट इज ट्रांस एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना, कह रहा हीट तो ट्रांसफर नहीं हुई है बट वर्क हुआ है, बट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव. ठीक है, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कोई काम नहीं हुआ बट हीट एब्जॉर्ब हुई है, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है दैट मींस, इट मींस कैसी वॉल्स होंगी, थर्मली कंडक्टिंग, है ना, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स ही क्या करती है, हीट को ट्रांसफर होने देती है. और अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, मतलब ये आपकी एडियाबेटिक वॉल्स हैं, या आप कह सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम में जो वॉल्स होती हैं एडियाबेटिक वॉल्स, वो हैं जहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है. ठीक है, क्लियर? उसके बाद है व्हेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्या अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, वट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी. अब ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, हीट भी ट्रांसफर हो रही है, वर्क भी हो रहा है, कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोज सिस्टम, क्योंकि मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है. ठीक है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अगर मैटर ट्रांसफर होती तो ओपन सिस्टम होता. क्लियर? ओके, अब देखो वर्क, नेक्स्ट इज अ वर्क, वर्क को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो जनरली हम आप केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं. ठीक है, वर्क तो किसी भी तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, केमिकल, कुछ भी, है ना. तो हमने जो जनरली जिसको डील करना है ज़्यादातर, वो आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क है. ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम बताएंगे आपको कैसे होता है.
ठीक है, सपोज करो एक आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर एक 1 मोल ऑफ आइडल गैस फिल की हुई है, ठीक है, 1 मोल आइडल गैस हमने फिल कर दिया, क्लियर, एंड उसमें हमें फिल किया है एंड उसको फिट कर दिया एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। फ्रिक्शनलेस मतलब ऐसा पिस्टन जो फ्रिक्शन ऊपर नहीं करेगा। ओके, नाउ अब मेरी बात सुनो, जो गैस का वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम था गैस का, वो है वी टी, वी आई, सॉरी, वी आई इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, एंड प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड उस सिलेंडर के कितना हो गया, पी है, ठीक है। हमने माना कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर उस गैस का पी है और वॉल्यूम है वी आई, ठीक है, ओके, क्लियर। अब अगर मैं उस सिलेंडर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ, सो पिस्टन है ना, मैं पिस्टन को प्रेस कर रही हूँ, मतलब मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा किससे, इंटरनल प्रेशर से, ठीक है, इंटरनल प्रेशर क्या था, पी, इंटरनल प्रेशर मतलब जो सिस्टम के अंदर का प्रेशर है, जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर पी था, तो पी क्या है, इंटरनल प्रेशर है, ओके। अगर बाहर जो मैंने प्रेशर लगाया है वो ज्यादा हो इंटरनल प्रेशर से, ठीक है, तो वो पिस्टन क्या करेगा, डेफिनेटली वो पिस्टन आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। जैसे देखो यहाँ पर ये सिलेंडर है ना, ये मान लो कोई पिस्टन है, यहाँ पर मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ ना, अगर ये जो प्रेशर है, ऑल्दो इस सिस्टम सिलेंडर के अंदर भी कुछ प्रेशर है ना, क्योंकि गैस फिल की है तो वो अपना प्रेशर लगा रही है ना, इस सिस्टम के अंदर भी एक इंटरनल प्रेशर वर्क कर रहा है, दैट इज पी। अगर मैंने उससे ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, पी से ज्यादा प्रेशर लगाया इस पिस्टन पर, डेफिनेटली ये पिस्टन है कहाँ मूव करेगा जी, ये इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, है ना, अगर मैं लगाती हूँ तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, है ना, क्लियर, ओके। सपोज करो देखो ये मूव कर गया, ये एल लेंथ तक मूव कर गया, पहले यहाँ था इसका जो फाइनल पॉइंट ये था, अभी इसका फाइनल पॉइंट ये हो गया, मतलब इसका फाइनल पॉइंट एल लेंथ तक मूव कर गया टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपका डेफिनेटली कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, कुछ फोर्स लगाने से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, इट मीन्स क्या हुआ है, वर्क हुआ है ना, यही तो हम बोलते हैं ना वर्क को, अगर कुछ फोर्स लगा हो आप किसी चीज के ऊपर और वहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट मीन्स क्या है, कुछ वर्क हुआ है ना, तो यहाँ पर भी कुछ वर्क हुआ है, ठीक है। अब वो वर्क कैसे देखना है, देखो अब यहाँ पे वर्क देखते हैं कैसे निकालेंगे इस वर्क को, अब वॉल्यूम चेंज कैसे निकालेंगे, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, देखो वॉल्यूम तो चेंज हुआ है, पहले वॉल्यूम यहाँ तक था, ये वॉल्यूम तक था, है ना, अब ये वॉल्यूम यहाँ तक है, ठीक है, तो हमने वॉल्यूम को हम देख रहे हैं, मान लो अगर एल एल इज द लेंथ है ना, और ए इसका एरिया हो, इस पूरे जहां तक मैंने मूव किया ये वाला, ए एरिया है और एल क्या है, लेंथ है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू एरिया, ठीक है, ओके। तो डेल वी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, एल इंटू ए, क्यों हुआ चेंज इन वॉल्यूम एल इंटू ए, क्योंकि मेरा जो लिक्विड जो मेरी गैस थी मैंने उसे एल डिस्टेंस तक शिफ्ट किया है, मूव किया है, डिस्प्लेस किया है, और ए एरिया उसने उस टाइम पर जब वो शिफ्ट किया था उसने ए एरिया कवर किया है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इन टू ए, और हम क्या कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम को, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना, चेंज तो वही होगा ना, तो डेल वी इज इक्वल टू एल इन टू ए, और यू कैन से कि बी एफ माइनस वी आई, वी एफ इज योर फाइनल वॉल्यूम, वी आई इज योर इनिशियल वॉल्यूम, ओके, क्लियर। फिर हम एक चीज और याद रखते हैं कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर यहां से मैं फोर्स की वैल्यू निकालू, फोर्स की वैल्यू निकालू यहां से इस वाले इक्वेशन से, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, है ना, तो मतलब मैंने कितना फोर्स लगाया होगा, मेरा कितना प्रेशर था, पी एक्सटर्नल, पी जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया मैंने उसको क्या लिखा, पी एक्सटर्नल, पी डॉट पी ई एक्स, ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, तो मैंने कितना फोर्स लगाया, पी एक्स इंटू ए, क्योंकि ए एरिया मूव तक वो लगा है, और दूसरी बात प्रेशर मेरा पी एक्सटर्नल है, क्लियर, ओके। तो मैंने अभी क्या निकाला, मैंने वॉल्यूम चेंज निकाला, एल इंटू ए कर दिया, और मैंने फोर्स निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, वॉल्यूम चेंज निकाल लिया, नाउ नाउ मैं निकाली वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, जितना डिस्टेंस उस सिस्टम ने या फिर उस पार्टिकुलर जो भी चीज़ है जिस पे भी आपने फोर्स लगाया उसने मूव कवर किया है, मूव किया है, तो फोर्स था पी एक्स इंटू ए, पुट कर दे फोर्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स इंटू ए, और डिस्टेंस है एल, एल डिस्टेंस तक मूव किया है, तो
मतलब वर्क किसके इक्वल आ गया, पी एक्स इंटू ए इंटू एल, एंड वी नो दैट हियर कि ए इंटू एल किसके इक्वल था, वॉल्यूम चेंज के, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, हम लिख सकते हैं पी एक्स इंटू माइनस डेल वी। अब सवाल उठता है कि माइनस क्यों है, ये वॉल्यूम को नेगेटिव क्यों लिया है। अगर आप देखें, अगर आपने नोटिस किया हो, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, ये देखो गैस पहले ज़्यादा थी, अभी मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, मैंने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, वो पीछे की तरफ मूव कर गए गैस के मॉलिक्यूल्स। अब गैस के मॉलिक्यूल्स सिर्फ इतने एरिया में है, ब्लू जो शेडेड एरिया है, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है। तो यू कैन सी पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, बट वर्क करने के बाद वॉल्यूम कम हो गया, जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, इसके ऊपर वर्क किया, तो वॉल्यूम कम हो गया। तो मतलब जो वॉल्यूम में चेंज आया वो क्या आया, नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, डेल वी का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर, दैट इज वाई वी कंसिडर नेगेटिव है। ओके ओके, तो वी कैन से इट विल इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल वी, है ना, और वी कैन राइट इट माइनस पी एक्स, डेल वी क्या था, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इस एक्सप्रेशन में ये बताता है कि आपके जो सिस्टम के आपके सिस्टम पर वर्क हुआ है। ठीक है, क्लियर, ओके। यहाँ पर ये बताता है कि कंप्रेशन का वर्क है एंड इट इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्लियर। ऑल्दो ये इसका फॉर्मूला वाला साइन है, जो सर कन्वेंशनल साइन होता है ना वर्क का, वो पॉजिटिव ही होता है। जब भी डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क का जो कन्वेंशनल साइन है वो पॉजिटिव होगा। कन्वेंशनल, और इसमें कैसे, देखो मैं बता रही हूँ, एक मिनट यहाँ पर लिख देती हूँ रेड पेन से। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल, हाँ, तो W जो है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डी वी, पी एक्स एक्स एक्सटर्नल डी वी, है ना, आई होप सो इट इज विजिबल टू यू, है ना, पी एक्स डी वी। ठीक है, अब ये तो माइनस साइन किसकी वजह से आया, वॉल्यूम की वजह से आया। ठीक है, बट ये जो वर्क है W, ये जो W वर्क है यहाँ पर माइनस पी एक्स वी, इस ये W को हम पॉजिटिव लेंगे, है ना, इसको हम पॉजिटिव वर्क कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वर्क क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि ये सिस्टम पर किया गया है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मैंने उस सिस्टम पर वर्क किया, मैंने उस सिस्टम पर प्रेशर लगाया है। ठीक है, डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है, बट ये नेगेटिव साइन यहाँ पर अगर जो लिखा हुआ, ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब आपने गैस को कंप्रेस किया है। ठीक है, कंप्रेस हुई है, तभी तो क्या हुआ, वो गैस आपने देखा पहले ज़्यादा वॉल्यूम एक्वायर कर रही थी, जब आपने उसको प्रेशर लगाया तो वो कम वॉल्यूम एक्वायर कर रही, तो आपने गैस को कंप्रेस किया है। क्लियर, ओके ओके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे सिंबल में लिखती हूँ ना, जैसे वो आपके थर्मोडायनामिक्स वाले फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी, यू इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना, ये थी ना, तो यहाँ पर अगर कंप्रेशन वाला वर्क होगा, इस W को मैंने पॉजिटिव ही लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगे। ठीक है, अगर अगर मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर वर्क इसको क्लियर करो, वर्क जो है अगर डन बाय द सिस्टम है, अगर मान लो सिस्टम ने वर्क किया, ठीक है, और सिस्टम ने जो वर्क किया है उसकी वैल्यू है पी एक्स या पी इंटू एक्स छोड़ो आप पी इंटू डीवी, डीवी इज अ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, पी डीवी प्लस पी डीवी। ठीक है, बट ये जो है वर्क, ये कैसा है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने खुद वर्क किया है। ठीक है, सिस्टम के ऊपर काम नहीं हुआ है, खुद सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगी सिस्टम खुद वर्क कैसे करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक मैंने एक सिलेंडर था मेरे पास, इसमें गैस फिल कर रखी थी, है ना, एक सिलेंडर में मैंने गैस फिल कर रखी थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जी मैंने उसका जो पिस्टन है उसको रिमूव कर दिया। आपने देखा वो गैस जो सिलेंडर घर में भी होते हैं ना, उसमें एक पिस्टन लगा होता है ना, एक आपने देखा वो ओपनिंग जो क्लोज करके रखता है उसको, अगर मैं उस पिस्टन को रिमूव कर दूँ, आई जस्ट रिमूव दैट पिस्टन, ठीक है, तो क्या होगा, वो गैस क्या करेगी, बाहर निकलना शुरू कर देगी, है ना, उस सिस्टम से, है ना,
गैस खुद ब खुद क्या कर रही है, फिर बाहर निकल रही है ना, निकल रही है। अभी मैंने तो कोई काम नहीं कर रही ना, मैंने तो सिर्फ पिस्टन को ओपन किया है, मैंने कोई सिस्टम पर काम नहीं किया, बट गैस निकल रही है बाहर, है ना। तो डेफिनेटली है ना, अगर गैस बाहर निकलेगी तो वॉल्यूम तो चेंज होगा। मान लो गैस पहले सिलेंडर में थी, अभी निकलने के बाद वो पूरे कमरे में फैल गई है ना, क्लियर। ये पूरे रूम में वो गैस फैल गई है, ठीक है। तो क्या होगा, अब गैस का जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि गैस ने पूरे वॉल्यूम में फैल गई है ना, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो उस रूम का वॉल्यूम है ना, जो उस रूम का वॉल्यूम है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब गैस एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड मतलब फैलना, जब गैस एक्सपैंड होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। पहले सिर्फ मान लो यहाँ पर ये 10 10 लीटर का वॉल्यूम था, सॉरी 10 लीटर का सिलेंडर था, ये 10 लीटर का ये सिलेंडर था। अभी मान लो ये 100 लीटर का रूम है, ऐसे इमेजिन कर लो, 100 लीटर का रूम है, क्लियर, ठीक है। तो मतलब पहले वॉल्यूम जो एक्वायर किया हुआ था उसने सिलेंडर के अंदर, दैट इज 10 लीटर, है ना, क्योंकि सिलेंडर छोटा था तो वॉल्यूम भी कम था। अभी रूम बड़ा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा है ना। आपको पता है गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है, गैसेस का वॉल्यूम कैसे स्टडी करते हैं, जिस भी जगह पर वो फैल जाएंगी वही उसका वॉल्यूम हो जाता है ना, क्लियर। जहां पर भी अगर किसी एक रूम में फैली हुई है तो रूम का वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम है, अगर एक पूरे कॉरिडोर में फैल गई है तो उस कॉरिडोर का वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, क्लियर। तो यू हैव सीन हियर कि एक वॉल्यूम में इंक्रीज आया है ना, 10 था पहले, अब वैल्यू 100 लीटर हो गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। मतलब डीवी, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, है ना, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, डीवी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो डीवी पॉजिटिव रहेगा तो मतलब अगर डीवी पॉजिटिव है तो पीडीवी भी क्या होगा, प्रेशर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रेशर तो पॉजिटिव ही होगा, तो पीडीवी भी क्या है, टोटल दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस पीडीवी है ना, जब भी, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वर्क बाय द सिस्टम है, क्योंकि वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है तो वर्क बाय द सिस्टम एक्सपेंशन वर्क है। तो ये जो वर्क है इसका जो कन्वेंशनल साइन लेना है हमने, वो नेगेटिव लेना है, ठीक है, नेगेटिव लेना है। तो मतलब अगर मैं वो इक्वेशन लेती हूँ, कौन सी, फर्स्ट लॉ वाली, यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था ना वहां पर, है ना। अगर मेरा डब्ल्यू कैसा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वहां पर मैं क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू लूंगी, है मैंने मतलब वर्क की कौन सी साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है अगर वर्क बाय द सिस्टम है, ठीक है। तो एक तो ये साइन है कन्वेंशनल साइन, ये आपको थोड़ा समझना है इस चीज को, कि ये जो कन्वेंशनल साइन है वो इस साइन से रिलेटेड नहीं है, ये जो साइन है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वेदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो साइन आया है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, बट वर्क का जो आपको कन्वेंशनल साइन लेना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वर्क वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो आपने नेगेटिव साइन लेना है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ऑन पे क्या होगा, ऑन मतलब सिस्टम के वर्क, सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, तो साइन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो सेम जो भी आपका साइन होगा वही आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, फर्स्ट लॉ वाले इक्वेशन में वही साइन आपने वर्क का पुट करना है, ठीक है। ओके, आई होप सो इट विल बी, मतलब इट इज क्लियर टू यू नाउ, ओके। उसके बाद ये है कि चलो तो सिंपल सा हो गया, अगर बोले कि प्रेशर कांस्टेंट ना हो, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, है ना, प्रेशर चेंज कर रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं या फिर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, सपोज है, तो अभी मैं कंप्रेशन का ही लेके चल रही हूँ, मैं गैस को कंप्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में आप वर्क कैसे निकालोगे, उस केस में आप इंटीग्रेशन यूज करोगे, ठीक है, आप पी एक्स डी वी पर इंटीग्रेशन लगा दो वी आई से वी एफ तक, ठीक है, माइनस साइन थ्रू रहेगा, क्योंकि ये मैं कौन सा वर्क ले रही हूँ, जब गैस को कंप्रेस कर रही हूँ, हम वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो पी एक्स डी वी लगा दिया है ना, इसके बाद वो एक चीज पालते हैं कि अगर किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर हम देखें थ्रू आउट द प्रोसेस, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा, मान लो किसी स्टेज पर ऐसा हो जाए कि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को तब क्या कहेंगे, तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, जो हमने काम उस पर किया है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, मान लो मान लो
मैं गैस को कंप्रेस कर रही हूँ, है ना। मैं पहले मेरा ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है। पहले गैस यहाँ था, बोलो, मैंने इस पे फोर्स लगाया पिस्टन पर, ऊपर से पिस्टन फोर्स लगाया तो गैस कंप्रेस होगी, तो गैस कहाँ चला गया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हो गया आपका, सपोज करो अभी यहाँ तक आ गया, ठीक है, वॉल्यूम कम कर दिया, पहले वॉल्यूम ज्यादा था। ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, वी आई, और ये आपका फाइनल वॉल्यूम दैट इज पी एफ, ओके, क्लियर। अब देखो मैंने इस पर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था ना, पी एक्सटर्नल, है ना, पी एक्सटर्नल लगाया था मैंने आपको, यू नो दैट। अगर मैं कह रही हूँ जो इंटरनल प्रेशर, जो यहाँ से गैस भी लगा रही है, क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर गैस है, तो गैस अपना प्रेशर लगाती है, गैस की प्रॉपर्टी है, गैस जहाँ भी होगी वो अपना कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। अगर ये जो इंटरनल प्रेशर था, जो अंदर का प्रेशर था, जिसको हमने पी बोला था, अगर पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल नियर बाय इक्वल हो जाए किसके, पी इंटरनल के अगर हो जाए, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल मतलब कि अगर आपने, अगर आपका इंटरनल प्रेशर अगर जरा सा भी ज़्यादा हो जाए, ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए पी एक्सटर्नल से, है ना, तो ये क्या कर सकती है, ये वापस से एक्सपैंड कर सकती है, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वो इसे कंप्रेस कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। यहाँ पर फॉरवर्ड मान लो कंप्रेशन में, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैंने बोला कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, और बैकवर्ड को मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन। गैस या तो कंप्रेस हो सकती है या फिर एक्सपैंड हो सकती है, दो ही तरीके हैं ना। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो गैस कंप्रेस हो रही है, अगर इंटरनल प्रेशर अगर ज्यादा हो गया जरा सा तो गैस एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में ऐसा किसको हमने, हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो इन्होंने प्रेशर वॉल्यूम का प्लॉट किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर भी कुछ दिखा रखा है, इधर भी कुछ दिखा रखा है। ये आपका ऐसा है कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है और प्रेशर यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है, बट ये क्या है कि आपने जो स्टडी किया है वो कुछ फाइनाइट स्टेप्स में आपने उस प्रोसेस को स्टडी किया है। मान लो जो कंप्रेशन हो रहा है उसको आपने कुछ स्टेप्स में स्टडी किया, मान लो 5 स्टेप्स में, 6 स्टेप्स में, है ना, तो आप ऐसे ऐसे देखोगे स्टेयर्स जैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। बट अगर आप स्टेप्स में नहीं देख रहे हो, आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो उसको, ठीक है, तो आप आपको एकदम स्मूथ कर्व मिलेगा, ओके। और यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये शेडेड रीजन जो है, आप ग्रे कलर का दिखा रखा है ना, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, और ये जो शेडेड रीजन है, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड कहीं भी देख लो, ये शेडेड रीजन हमें क्या बताता है, ये शेडेड रीजन हमें बताता है कि वर्क डन कितना है, ठीक है। तो शेडेड रीजन इस ग्राफ में वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। डू रिमेम्बर इट, जब भी आप प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको एक ऐसे कोई कर्व मिलेगा, और जब आप उसको ऐसे बाउंड करोगे इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम से, और एक जो रीजन आपको इसे यहाँ पे उन्होंने इस रीजन को शेड कर रखा है, तो ये जो रीजन है ये आपको वर्क डन बताता है। जिसका जितना ज्यादा शेडेड रीजन होगा उसमें उतना ज्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज हल्की सी है बस, और कुछ नहीं बचा है। सपोज करो रिवर्सिबल कंडीशन लगाई है इन्होंने, अब ये बोल रहे मान लो कोई रिवर्सिबल कंडीशन हम लगाते हैं सिस्टम पर, तो रिवर्सिबल वर्क क्या होगा, अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वर्क का जो फॉर्मूला वही है, माइनस इंटीग्रेशन लगाया है वी इनिशियल टू वी फाइनल पी एक्सनल डी वी, ठीक है। अब ये पी एक्सनल किसके इक्वल होगा रिवर्सिबल में, या तो वो इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है ना, क्योंकि मैंने बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब क्या हुआ, या तो पी एक्सटर्नल थोड़ा सा ज्यादा होगा इंटरनल से या थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो वी कैन राइट पी एक्सटर्नल एज पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। डी पी इज वॉट, डी पी इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ठीक है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। सपोज करो मान लो एक्सटर्नल प्रेशर है 0.7, है ना, 0.7, ओके। अगर मैं कहूँ कि आपका इंटरनल प्रेशर है 0.6, है ना, तो आप देख सकते हो ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल है ना। तो dp कितना है, चेंज इन प्रेशर कितना दिख रहा है आपको इंटरनल एक्सटर्नल में, दैट इज 0.1, है ना, 0.1 दिख रहा है ना। तो dp आपका क्या है, आपको चेंज बता रहा है इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर में, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो dp होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना, तभी तो मैंने बोला कि ये अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली सेम कब होंगे, जब इन दोनों के बीच में जो चेंज है, इन वैल्यू जो डिफरेंस है, इन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो, ठीक है, ओके।
यहाँ पर हमने देखा कि पी इंटरनल प्लस माइनस टीपीएम कर सकते हैं ना, या तो वो थोड़ा सा ज्यादा होगा इंटरनल से, वो थोड़ा सा कम होगा। ओके ओके, अब देखो इसको जब आप ओपन करोगे, इस वाले इक्वेशन को ओपन करते हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे ओपन किया मैंने। ये देखो यहाँ पर ये वाला, ये इधर वाला देखना पोर्शन सारा। तो W था वी आई से वी एफ पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इंटू ब्रैकेट वन डी वी, ठीक है। ओपन कर दो पी इंटरनल डी वी, फिर साइन आएगा प्लस माइनस इंटीग्रेशन डी पी इंटू डी वी। एक बार डी वी को यहाँ मल्टीप्लाई करना है और एक बार डी वी को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो पहले से मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, दूसरे से मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, डी पी है, डी पी स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड डी वी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा और ज्यादा कम होता है, तो हम इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इफ यू सी दैट कि अगर डी पी पॉइंट वन है ना, डी पी पॉइंट वन है और मान लो डी वी भी पॉइंट वन है सपोज करो, है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना जाएगा, और कम हो जाएगा, कितना आएगा, जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एक मिनट जीरो वन, ओके। तो ये बहुत कम हो गया है ना, और कम हो गया दोनों के चेंजेस, अगर दो स्मॉल चेंजेस का प्रोडक्ट उन दोनों की जो इंडिविजुअल वैल्यू है उससे भी कम हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इसलिए हम इस क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं, ओके, हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो रिवर्सिबल वर्क होगा वो पी माइनस इंटीग्रेशन वी इनिशियल टू वी फाइनल पी इंटरनल डी वी, ओके। अभी बस यहाँ पे एक फाइनल चीज करनी है, उसके बाद मैं आपको लेक्चर ओवर कर दूंगी। यहाँ पर जैसे पी की वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू पुट करो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, वी नो दैट कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, आइडियल गैस इक्वेशन ये कहती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, एन आर टी बाय वी, है ना, पुट इट हियर, ओके। तो इस सिस्टम में क्या है, एन भी कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हमने नहीं चेंज कर रहे, आर हमारा कॉन्स्टेंट है, आर तो क्या कॉन्स्टेंट ही है, वो गैस कॉन्स्टेंट है, और टी भी हम चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर हम सिस्टम में चेंज नहीं कर रहे, तो टी भी कॉन्स्टेंट है, तो एन आर टी जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो एन आर टी को बाहर ले लो, इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको हल्का सा, आई डोंट नो आपको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता, आना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि फिजिक्स में तो नहीं चलता ना बिना इंटीग्रेशन के। तो अगर एन आर टी बाय बाय वी डी वी, ओके, अभी मैं लिमिट्स लेने लगा रही, लगा दूंगी अभी आगे, क्योंकि अगर मैं लिमिट्स वगैरह लिखने लगी आपको पता है इस पर लिखना मुश्किल है। एन आर टी जो है कॉन्स्टेंट है, इसको आप कॉन्स्टेंट से बाहर ले, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, जो सिर्फ वेरी कर रही है टर्म उसको ही इंटीग्रेशन के अंदर लेना होता है, वी आई और ऊपर क्या है वी एफ, ठीक है। बचा क्या, बचा है वन बाय वी डी वी, वन बाय वी डी वी, ये वन बाय वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग, ठीक है, यू कैन राइट हियर एन आर टी बाहर माइनस साइन भी था इक्वेशन में, एनआरटी नेचुरल लॉग एल एन वी, आई होप सो आपको इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, एल एन वी, क्योंकि इंटीग्रेशन मैं नहीं कराऊंगी, वो मैथ्स या फिजिक्स में ही होगा जो होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है इंटीग्रेशन करवाना, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी आई। तो आप क्या करना है, आपको जस्ट लिमिट को पुट करना है, इसको हम लिमिट बोलते हैं, जो इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे होती है ये लिमिट होती है। आप क्या करोगे, लिमिट पुट कर दो माइनस एन आर टी, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, एल एन नेचुरल लॉग ऑफ एल एन वी एफ, जब आप फाइनल लिमिट पुट जब आप लिमिट पुट करते हो पहले ऊपर वाली पुट करनी होती है, फिर आप नीचे वाली लिमिट पुट करते हो, एंड नेचुरल लॉग ऑफ वी आई, माइनस साइन आएगा फिर बाद में, जब आप नीचे वाली लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन करना है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है, ओके। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, एन आर टी माइनस एन आर टी ब्रैकेट में क्या है एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई, ओके, क्लियर। सो इसको हम, ये एल एन हमारा होता है नेचुरल लॉग, इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल लॉग, ओके। तो आपको एक चीज और बता दो यहाँ पर मैं, जो नेचुरल लॉग होता है एल एन, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ये आपका इक्वल होता है 2.303 लॉग। ये जो है, ये इसमें एल एन और इसमें क्या फर्क है, इसको लोग बोलते हैं, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसका जो बेस होता है वो ई होता है,
और इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 10, ठीक है, नेचुरल लॉग का बेस, इस वाले लॉग का बेस होता है 10 और इसका बेस होता है ई, ठीक है। तो 2. नेचुरल लॉग जब भी आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब भी नेचुरल लॉग को ई वाले को आप बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करोगे तो सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वहां पर जैसे आपको पता है कि ln, और एक चीज याद रखना लॉग के कुछ फॉर्मूलेस हैं, जैसे मान लो ln ln x माइनस ln y इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये, ln x बाय y, चाहे log हो चाहे ln हो, ठीक है, दोनों के ऊपर लग जाएगा। log है, अगर log x माइनस log y हो तो क्या हो जाएगा, log x बाय y, ओके। तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है, बस सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखना, अगर ln को log में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर log log सॉरी log a रेज टू पावर x है, a रेज टू पावर x है, तो वो हो जाता है x log a, x log a, ठीक है, ओके। ऐसे दो तीन हो रहा है, जैसे log m into n है, log m into, ये कुछ नहीं है, m n क्या है, ये नंबर है, कोई a x सब क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, m into n है अगर, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है log m plus, इसको लिख लो भाई, ये आपको आगे भी काम आएंगे, इवन 12th में भी काम आएंगे, log m plus log n, ठीक है, log m into n कितना था, log m plus log n, अगर log a raise to power x है तो x log a, log x minus log y, sorry, log y is equal to log x by y, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, एक और फॉर्मूला था, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, चार फॉर्मूलाज हो गए लोग के, चलो बाद में ध्यान आएगा तो बताऊंगी कभी, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी आई थिंक सो। तो यहाँ पर देखो ln vf माइनस vi, इसको फिर चेंज कर दिया है नेचुरल लॉग में 2.303 से मल्टीप्लाई करके log vf माइनस vi, ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये फाइनल इक्वेशन है वर्क डन के, ठीक है, ओके। इन केस ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम, रिवर्सिबल सिस्टम में वर्क डन की जो वैल्यू होगी दैट विल इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी log vf माइनस vi, ओके, क्लियर। उसके बाद हम बाकी का बचा कुछ नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, इसको थोड़ा अच्छे से करते जाओ, पढ़ते जाओ, बाय बाय।